हेलो एवरीवन कैसे हैं आप टुडे वी शैल लर्न इंडिगो फ्लेमिंगो का ये टॉपिक है इंडिगो वी शैल स्टडी टुडे अबाउट गांधी जी चंपरन आंदोलन फर्स्ट हु इज द ऑथर ऑफ इंडिगो इंडिगो के ऑथर कौन है लेखक कौन है ए लुईस लियो लियोटोलस्टॉय मार्क ट्वीन चार्ल्स टिकिन द ऑथर ऑफ द इंडिगो ऑथर ऑफ द ऑफ इंडिगो इज लुईस फिशर ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट वेयर वाज द ऑथर बोन ऑथर लुई फिशर्क कहाँ जन्मे थे इन फिलाडेल्फिया युगोसलाविया स्कॉटलैंड नन ही वॉज बॉर्न इन फिलाडेल्फिया ट्वेंटी नाइन फरवरी सो ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट वैन डिड द ऑथर सर्व इन द ब्रिटिश आर्मी ऑथर ने ब्रिटिश आर्मी में सेवा कब की 1918 टू 1920, ट्वेंटी टू 1910, 1912 नाइनटीन ट्वेल्व टू डी 19 टू नाइनटीन टू कब ही सर्वड 198 एट टू नाइनटीन ट्वेंटी सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट नेक्स्ट विच यूनिवर्सिटी वाज द ऑथर्स ए मेंबर ऑफ किस यूनिवर्सिटी का विश्वविद्यालय का जो ऑथर है फिशर वो सदस्य था हार्डवर्ड यूनिवर्सिटी प्रिंसटॉन यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी किस यूनिवर्सिटी का वो सदस्य था प्रिंसटॉन

नन लेखक की कौन सी पुस्तक से इंडिगो लिया गया है ऑप्शन सी इज करेक्ट द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी इसमें महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन बिहार में जो चंपारण है 1917 में स्टार्ट किया उसका वर्णन है तो लाइफ ऑफ महात्मा गांधी नेक्स्ट व्हाट इज द मैसेज कन्वेड इन द लेसन इंडिगो इंडिगो लेसन में क्या मैसेज कन्वे किया गया था एफिशियंट लॉयर्स स्पीक अलाउड वाइज एंड करेजियस लीडरशिप कैन रिजॉल्व एनी प्रॉब्लम नन आंसर सी विल बी करेक्ट वाइज एंड करेजियस लीडरशिप कैन रिजॉल्व एनी प्रॉब्लम बुद्धिमान और साहसी लीडरशिप यानी कि जो बुद्धिमत्ता से भरी हुई लीडरशिप है साहसी लीडरशिप है वो किसी भी समस्या का समाधान कर सकती है ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट वाई डिट एम के गांधी फाइट इन चंपारण। चंपारण में मोहनदास करमचंद गांधी ने फाइट क्यों की किसके अगेंस्ट फाइट की टू सिक्योर जस्टिस फॉर द अपोजर्स टू गेट पॉपुलरिटी टू शो पावर टू बोस्ट ऑफिच इंटेलिजेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट टू सिक्योर जस्टिस फॉर द अपोजर्स अपोजर्स के विरुद्ध सिक्योर टू सिक्योर जस्टिस यानी कि अत्याचार के विरुद्ध न्याय करने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी चंपारण में वार्डज गांधी जी फाइट इन चम्परज चंपारण सिग्निफी गांधी जी की जो चंपारण में लड़ाई है वो सिग्निफी करती है किस महत्व की है क्या इंपॉर्टेंस है उसका द पावर ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप द पावर ऑफ लॉयर्स द पावर ऑफ फार्मर्स द पावर ऑफ मनी किसकी लड़ाई है द पावर ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप एक प्रभावी नेतृत्व की शक्ति की लड़ाई है नेक्स्ट वाई वाज मोतिहारी बैक विद पीजेंट्स वाई वाज मोतिहारी बैक विद पीजेंट्स बिकॉज पीपल्स राइट बिकॉज ऑफ द अपोजिशन ऑफ द ब्रिटिश बिकॉज ऑफ चैंपियन बाज इन ट्रेवल कि मोतीहारी के जो पिजेंट्स थे किसान थे वो बैक हुए ऑप्शन सी इज बिकॉज़ क्योंकि उनके जो चैंपियन थे वो कष्ट में थे नेक्स्ट हाउ डिड गांधी जी एड्रेस द एक्शन ऑफ द पीपल ऑफ मोतिहारी गांधी जी ने कैसे संबोधित किया द पीपल ऑफ मोतिहारी मोतिहारी के लोगों के कार्य को एज लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ द ब्रिटिश वाई कॉलिंग द करेजियस बाई चाइडिंग द लॉयर्स नन विच ऑप्शन इज करेक्ट एज लिबरेशन फ्रॉम द फियर ऑफ ब्रिटिश एज ए लिबरेशन आजादी के रूप में फ्रॉम द फियर डर से ऑफ द ब्रिटिश अंग्रेजों अंग्रेजों के विरुद्ध डर को समाप्त करके आजादी की भावना पैदा करके नेक्स्ट वाई वाज गांधी जीज डिमांड फ्रॉम द ब्रिटिश लैंड लॉर्ड्स जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे वहां पर उनसे गांधी जी की क्या डिमांड थी थर्टी परसेंट रिफंड एज ए रीपेमेंट थर्टी परसेंट लोटा दिया जाए फोर्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट टेन परसेंट कितनी डिमांड गांधी जी ने की गांधी जी डिमांडेड फिफ्टी परसेंट रिफंड एज ए पेमेंट गांधी जी ने फिफ्टी परसेंट की डिमांड की लेकिन उतना मिला नहीं था नेक्स्ट हाउ डिड गांधी जी आस्ट द इंडिको प्लांटर्स टू पे टू द फार्मर गांधी जी ने कितने हाँ गांधी जी ने कहा कितने के लिए कहा कैसे कहा इंडिगो प्लांटर्स इंडिगो प्लांटर्स से टू पेदा फार्मर फार्मर्स को भुगतान करने के लिए ट्वेंटी परसेंट फोर्टी परसेंट थर्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट बिच ऑप्शन इज करेक्ट ही फॉर फिफ्टी परसेंट नेक्स्ट हाउ मच डिट इंडिको प्लान्ट ऑफर टू पे हाउ मच कितना इंडिको प्लान्ट ऑफर टू पे कितना ऑफर हुआ उनको थर्टी परसेंट टेन परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट फोर्टी परसेंट गाँधी जी डिमांडेड फिफ्टी परसेंट बट दे गोट ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑप्शन सी विल भी करेक्ट नेक्स्ट द कंडीशन ऑफ द शेयर चंपारण में जो शेयर क्रॉपर्स थे उनकी स्थिति क्या थी वर फोर्स गिव टेन परसेंट ऑफ लैंड फॉर इंडिगो प्लांटेशन वर फोर्स टू गिव ट्वेंटी परसेंट ऑफ प्लान फॉर इंडिगो प्लांटेशन वर फोर्स टू गिव फिफ्टीन परसेंट ऑफ लैंड फॉर इंडिगो प्लांटेशन बर फोर्स टू गिव फाइव परसेंट ऑफ लैंड फॉर इंडिको प्लांटेशन हाउ मच कितना बर फोर्स टू गिव फिफ्टीन परसेंट ऑफ लैंड फॉर इंडिको प्लांटेशन ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट हाउ डिड गांधी जी हेल्प पीजेंट्स ऑफ चंपारन गांधी जी ने चंपारण के किसानों की कैसे सहायता की वाई फाइटिंग एंड सिक्योरिंग जस्टिंग फॉर दैम उनके अधिकार के लिए लड़कर उनके जस्टिस को सिक्योर करके बर हायरिंग लॉयर्स फॉर देम उनके लिए लॉयर्स को हायर करके बाय एजुकेटिंग देम उनको शिक्षित करके बाय टीचिंग देम क्लीननेस उनको स्वच्छता का भाषण देकर उनको स्वच्छता का विशेषता बताकर बीच ऑप्शन ए इज करेक्ट वाई फाइटिंग एंड सिक्योरिंग जस्टिस फॉर देम उनके लिए उनके अधिकारों के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध लड़कर और सिक्योर करके उनके लिए जस्टिस उन्होंने चंपारण किसानों की सहायता की नेक्स्ट वाट प्रॉब्लम बर फेस्ड बाई द चंपारन इंडिको शेयर क्रॉपर्स कौन सी समस्या सामना कर रहे थे चंपारन इंडिको शेयर क्रेपर जो शेयर क्रॉपर्स थे उनकी क्या समस्या थी पॉवर्टी बर्फोर्स टू ग्रो इंडिगो अनेबल टू रेज वॉइस इलिट्रेसी बिच प्रॉब्लम बर्फोर्स टू ग्रो इंडिगो बे बाध्य थे टू ग्रो इंडिको सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट नेक्स्ट वाई डिड गांधी जी डिसाइडेड टू गो टू मुजफ्फरपुर गांधी जी ने मुजफ्फर जाने का मुजफ्फरपुर जाने का निश्चय क्यों किया टू हैव डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ द शेयर क्रॉपर ऑफ द चंपरन टू हैव इंफॉर्म इंफॉर्मेशन अबाउट लॉयर टू नो डिफरेंट कैपेसिटीज ऑफ द पीपल टू हैव द पर्सनल बॉन्ड विद दीपल किस लिए गए मुजफ्फरपुर बिहार में ही है चंपारण क्यों नहीं गए सबसे पहले उनको क्या करना था टू हैव डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ द शेयर क्रॉपर ऑफ चंपारण उन्होंने इन्फॉर्मेशन डिटेल इन्फॉर्मेशन लेनी थी शेयर क्रॉपर ऑफ चंपारण चंपारण के शेयर क्रॉपर के बारे में ताकि वो अंग्रेजों के विरुद्ध राइट के साथ लड़ सके नेक्स्ट हु <coughs> बी मुझ गांधी जी एट मुजफ्फरनगर गवर्नमेंट ऑफिसर पॉलिटिशियन फार्मर्स लॉयर्स किसने डी लॉयर्स बिफीड एट मुजफ्फरनगर मुजफ्फरपुर लॉयर लॉयर ने उनकी हेल्प की नेक्स्ट हु बाज राज कुकुमार शुक्ला वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन दिस स्टोरी राजकुमार शुक्ला ए लॉयर ए गवर्नमेंट ऑफिशियल ए पोल्टन पोलिटिशियन ए पुअर पीजेंट कौन था ही बाज ए पुअर पिजेंट मैं गरीब किसान था हु नेम बाज़ राजकुमार शुक्ला ही मैट गांधी जी एंड इन्वाइटेड गांधी जी टू कम चंपारन टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ पीजेंट्स ऑफ चंपारन नेक्स्ट वर्ट वर द एनुअल कांग्रेस पार्टी सेशन हेल्ड कांग्रेस का एनुअल कांग्रेस पार्टी सेशन कब हेल्ड हुआ कब आयोजित हुआ कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन था वो कब हुआ और कहाँ हुआ वेयर कहाँ हुआ एट वाराणसी एट मुंबई एट बंगलुरु एट लखनऊ इट वॉज़ हेल्ड एट लखनऊ भियर राजकुमार शुक्ला मेट गांधी जी एंड इन्वाइटेड गांधी जी टू कम चंपारण नेक्स्ट वाइड इट राजकुमार शुक्ला कम टू लखनऊ एट एनुअल कांग्रेस पार्टी सेशन रिपीट हुआ राजकुमार शुक्ला लखनऊ एनुअल कांग्रेस पार्टी सेशन में क्यों आया टू बी रिच संपन्न होने टू बी फेमस प्रसिद्ध होने टू फाइट एंड गेट मनी लड़ने और धन प्राप्त करने टू कंप्लेन अगेंस्ट इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार बिहार में जो लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ इनजस्टिस हो रहा था लैंडलॉर्ड का जो इनजस्टिस था किसके अं... किसानों के विरुद्ध इनजस्टिस था उसके शिकायत करने गांधी जी से नेक्स्ट वाई डिड राजकुमार शुक्ला मीट गांधी जी राजकुमार शुक्ला गांधी जी से क्यों मिला मीट मिला टू सीक हिज गाइडेंस फॉर हिज ओन अनलिफ्टमेंट टू गेट आइडियाज टू बी फेमस टू लर्न द आर्ट ऑफ स्पीकिंग टू स्पीक हिज हेल्प फॉर द पुअर शेयर क्रोपर किस लिए मिला टू सीख हिज हेल्प उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए किसकी गांधी जी की किस लिए फॉर द पुअर शेयर क्रोपर जो चंपारण के शेयर क्रॉपर्स थे ताकि उनकी सहायता हो सके ऑप्शन डी विल बी करेक्ट टू सीख हिज हेल्प फॉर द पुअर शेयर क्रॉपर्स नेक्स्ट वाई इज चंपारण फेमस चंपारण क्यों प्रसिद्ध है फॉर फाइटिंग फॉर इंडिगो बिकॉज ऑफ गांधी जी विजिट फॉर द फर्स्ट सत्याग्रह मोमेंट इन 1917, सेवनटीन तो क्योंकि पहला सत्याग्रह नाइनटीन सेवन में नील की खेती कर रहे किसानों के विरुद्ध जो अंग्रेजों का अत्याचार था उसके विरुद्ध एक आंदोलन था एक गांधी जी की पहली लड़ाई थी 1917 गांधीजी का पहला चंपारण आंदोलन ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट बाईव सत्याग्रह मूवमेंट लॉन्च इन चंपारण चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन क्यों लॉन्च हुआ क्यों शुरू हुआ फॉर गांधी जी अनलिफ्टमेंट फॉर रेजिंग फंड फॉर गेटिंग बिजनेस फॉर द अनलिफ्टमेंट ऑफ द फार्मर फॉर द अनलिफ्टमेंट ऑफ द फार्मर फार्मर के उत्थान के लिए क्योंकि तो वहाँ फार्मर पर इंजस्टिस हो रहा था उनके उत्थान के लिए गांधी जी वहाँ पहुँचे और फाइट की अंग्रेजों से विरुद्ध और राइट्स जो फार्मर के मिलने चाहिए थे उनके लिए आवाज़ उठाई बिहार बात चंपारण चंपारण कहाँ है इन लखनऊ दिल्ली उत्तर प्रदेश एट ए डिस्टिक इन बिहार इंडिया यानि कि चंपारण जो है वो बिहार का में है बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में सो ऑप्शन डी विल भी करेक्ट नेक्स्ट व्हाट डिड पीजेंट पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के द्वारा पीजेंट्स को कितना पे किया जाता था ऑप्शन डी इज करेक्ट फिफ्टीन परसेंट ऑफ द लैंड एंड एंटायर को हार्वेस्ट सो ऑप्शन डी इज करेक्ट कितना फिफ्टीन परसेंट ऑफ लैंड होल्डिंग एंड एंटायर इंडिको हार्वेस्ट नेक्स्ट वाई डिड ब्रिटिश बांट द पीजेंट टू से कंपेसन ए बिकॉज एनी फ्रीड

व फिफ्टीन परसेंट ऑफ लैंड होल्डिंग एंड एंटायर इंडिगो ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट वाई डिट गांधी जी एग्री टू प्लान्ट ऑफर ऑफ ट्वेंटी फाइव फंड्स टू हार्वेस्ट ट्वेंटी फाइव परसेंट रिफंड पर गांधी जी एग्री क्यों हो गए बिकॉज ऑफ़ मनी बिकॉज ऑफ फर ऑफ लॉस बिकॉज ऑफ फीयर ऑफ पावर बिकॉज मोर देन मनी प्रस्टीज ऑफ फार्मर वाज इम्पोर्टेंट ऑप्शन डी इज करक्ट क्योंकि धन की अपेक्षा प्रस्टीज ऑफ फार्मर किसानों की प्रतिष्ठा वाज इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण थी क्योंकि धन की अपेक्षा जो किसानों का प्रस्टीज थी वो महत्वपूर्ण थी नेक्स्ट वज सर एडमंड इन द लेसन इंडिको सर एडमंड इंडिको में कौन है ए ब्रिटिश लॉयर एक ब्रिटिश लॉयर हैं ए ब्रिटिश बिजनेसमैन ब्रिटिश व्यापारी ब्रिटिश पॉलिटिशियन अंग्रेजी राजनीतिज्ञ एंड एडमिनिस्ट्रेटर इन सिविल सर्विसेज इंडियन सिविल सर्विसेज में एक एडमिनिस्ट्रेटर एक प्रशासक ऑप्शन डी इज करेक्ट एन एडमिनिस्ट्रेटर इन इंडियन सिविल सर्विसेज ऑप्शन डी इज करेक्ट वर सर एडमंड पोस्टेड एडमंड कहाँ पोस्टेड थे इन ईस्ट इंडिया इन पूर्वांचल इन उत्तर प्रदेश एट बिहार ओसिया प्रोविंस इन बंगाल प्रिजिडेंसी ऑफ ब्रिटिश इंडिया ऑप्शन डी इज करेक्ट एट बिहार ओरिसा प्रोविंस इन बंगाल रेजिडेंसी ऑफ ब्रिटिश इंडिया क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था वट वाज द स्टेटमेंट दैट गांधी जी रीड प्लीडिंग हिमसेल्फ गिल्टी यानी कि गांधी जी ने स्वयं में क्या गिल्टी महसूस की जब उन्होंने किसी शपथ को पढ़ा दैट ही वॉज ए लॉ दैट ही वांटेड टू कमांड रेस्पेक्ट ही वॉज नॉट ए ला ब्रीकर एंड कम टू रेंडर ह्यूमनिटर ह्यूमनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस डी नन थर्टी वन ही वॉज नॉट ए लावरिकर वह कानून तोड़ने वाले नहीं थे एंड केम आए थे टू रेंडर ह्यूमनिट्रीज मानवता के अत्याचारों को समाप्त करने एंड नेशनल सर्विस और एक राष्ट्रभावना लेकर राष्ट्र सेवा करने ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट वाई डिट गांधी जी प्रोस टेस्ट एट मोतिहारी कोर्ट हाउस मोतिहारी कोर्ट हाउस में गांधी जी ने क्या प्रोटेस्ट किया विरोध किया टू बी फेमस टू शो हिज पावर टू टू ह्यूमिलिटीज द ब्रिटिश टू प्रोटेस्ट द कोर्ट्स ऑर्डर टू पोस्टोंड द ट्रायल टू प्रोटेस्ट कोर्ट्स ऑर्डर टू पोस्टोन्ड द ट्रायल ट्रायल को स्थगित करने के लिए केस को और टू प्रो टू प्रोटेस्ट कोर्ट्स ऑर्डर कोर्ट्स ऑर्डर को का विरोध के लिए ऑप्शन डी विल भी करेक्ट टू प्रोटेस्ट द कोर्ट्स ऑर्डर टू पोस्टोन्ड द ट्रायल नेक्स्ट वाइडिट गांधी जी कंसिडर दंपा चंपारण एपिसोड ए टर्निंग पॉइंट गांधी जी ने क्यों सोचते हैं कि चंपारण एपिसोड एक टर्निंग पॉइंट है इट्स वाइज सेपरेट फार एंड वाइड इसकी आवाज़ दूर दूर तक फैल गई वी कम फेमस प्रसिद्ध हो गए ब्रिटिश बर स्केयर्ड टू तो प्रोटेस्ट द कोर्ट ऑर्डर टू द पोस्टपोन द ट्रायल विच ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट बिकॉज इट वाइज सेपरेट फार एंड वाइड फार एंड वाइड इडियम से ये एवरीवेयर फार एंड वाइड एवरीवेयर क्योंकि सब जगह दूर दूर तक इसकी आवाज़ फैल गई चंपारण आंदोलन की अत्याचारों की किसानों की किसानों पर जो अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे उससे भारतीयों में देश प्रेम की भावना जगी हाउ डिड कस्तूरबा हेल्प गांधी जी कस्तूरबा ने ऐसे समय में गांधी जी की सहायता कैसे की बाई स्पीकिंग टू दीपल लोगों को संबोधित करके बाई वॉकिंग विदिम उनके साथ चलकर बाई मूविंग हियर एंड डियर इधर उधर ठहलकर वाई कर, टीचिंग आश्रम रूल्स एंड क्लीननेस आश्रम में स्वच्छता और आश्रम के नियमों को समझा कर ऑप्शन डी विल बी करेक्ट क्योंकि इन अपसेंस ऑफ गांधी जी ही वाज रूलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इन द आश्रम बाई टीचिंग आश्रम रूल्स एंड क्लीननेस स्वच्छता के नियमों को आश्रम में समझा कर व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ द एवरेज इंडियन इन द स्मॉल लोकल्टीज टूबर्ट्स एडवोकेट्स ऑफ होम रूल्स क्या एटीट्यूड था एवरेज इंडियन का स्मॉलर लोकल लोकल्टीज छोटे से स्थानों पर टूबर्ट्स एडवोकेट्स यानी कि वकीलों के प्रति ऑफ होम रूल बेरी वेल्किम बैरी करेजियस pleasing, very fearful and indifferent, बीच very fearful, बहुत डरावना एंड indifferent और बहुत ही अलगाववादी बहुत ही अलग तरीके का नेक्स्ट what was द purpose ऑफ द एडवोकेट्स ऑफ द होम रूल होम रूल के अनुसार एडवोकेट्स ऑफ द होम रूल क्या purpose था एडवोकेट्स का टू गेट मनी

ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द पीजेंट इन चंपारण चंपारण में किसानों की पीजेंट्स की क्या स्थिति थी वेरी हैप्पी बहुत खुश थे इंडिपेंडेंट वेरी रिच आत्मनिर्भर थे बहुत धनी थे टेरर स्ट्रिकन एंड ओपोजर ऑप्शन डी इज करेक्ट टेरर स्ट्रिकन थे एंड ऑपरेस्ड और पीड़ित थे शोषण किया जा रहा था ऑप्शन डी विल बी करेक्ट होम डिट गांधी जी सेंडिंग ए टेलीग्राम टू होम किसे गांधी जी ने एक टेलीग्राम भेजा सर एडमंड ब्रिटिश गवर्नमेंट फिजेंट्स प्रोफेसर जे बी कृपलानी ऑप्शन डी विल बी करेक्ट प्रोफेसर जे वी कृपलानी वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टर इन गांधी जीज मोमेंट नेक्स्ट वेयर डिट गांधी जी स्टे फॉर टू डेज गांधी जी दो दिन के लिए कहाँ रुके एट द पीजेंट्स आउट एट द लोयर्स आउट लोयर्स के घर में इन ए गेस्ट हाउस गेस्ट हाउस में एट प्रोफेसर मलकानीज हाउस प्रोफेसर मलकानीज के घर पर गांधी जी स्टेट फॉर टू डेज एट प्रोफेसर मलकानीज हाउस ऑप्शन डी इज करेक्ट नेक्स्ट वाई वाज द गवर्नमेंट बेफल्ड बाई वाज द गवर्नमेंट वेफल्ड बिकॉज ऑफ द लोअर पावर बिकॉज ऑफ द फार्मर्स बिकॉज ऑफ द शेयर क्रॉपर बिकॉज ऑफ द सक्सेज ऑफ सत्याग्रह मोमेंट बाई पीजेंट्स किस कारण से बिकॉज ऑफ द सक्सेज ऑफ सत्याग्रह मोवमेंट बाई पीजेंट पीछे हटना पड़ा गवर्नमेंट को क्योंकि सत्याग्रह मूवमेंट जो गांधी जी का था चंपारण में वो किसानों के द्वारा चल रहा था और सफल हुआ था गांधी जी उसका नेतृत्व कर रहे थे स्टूडेंट्स वी हैव कवर्ड फोर्टी वेरी इंपॉर्टेंट एम सी क्यू ऑफ दिस टॉपिक एंड वी हैव कवर्ड ओल्ड लेसन इन दिस वीडियो इन दिच एम सी क्यूज आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू यदि वीडियो हेल्पफुल है आपने बहुत कुछ सीखा वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक्स फॉर वॉचिंग